technique, completion technique, construction technique, expressive technique, and choice ordering. I'm discussing. Okay. अब सबसे पहला हम जानेंगे प्राइमरी में डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन. दीज आर प्राइमरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. दीज आर प्राइमरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. इसमें पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड. दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस. द डेटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली. खुद जाके या फिर मेल्स के माध्यम से वो रिसर्च को कंडक्ट करता है, डेटा को कलेक्ट करता है. ही और शी मस्ट बी अ कीन ऑब्जर्वर. उसका खुद पार्टिसिपेंट है, वो खुद ऑब्जर्व कर रहा है. एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू लाइक, है ना, डू यू लाइक टू हैव टी और कॉफी? कॉफी. आई एम जस्ट ऑर्डरिंग. ठीक है, तो दिस इज सिंपली key observation and the respondent is the participant in himself. He or she asks or cross-examines the informant and collect necessary information. बात पूछता है, पूछ सकते हैं. सामने बैठे हैं, एक दूसरे बात करते हैं, क्या पीना है, जैसे कॉफी और चाय. बात पूछ सकते हैं. I can have the mental communication and do the cross-section examines. It is original in character. Obviously बात है, changes नहीं है, आपको दिख रहा है, वो कोई नहीं. Structured. अब इसमें भी दो प्रकार से हम ऑब्जर्वेशन को दो वे से कर सकते हैं. एक स्ट्रक्चर्ड होता है वे और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड वे होता है. स्ट्रक्चर्ड में क्रॉस सेक्शनल, दो टाइप की स्टडीज होती है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज. वो मेरा पार्ट नहीं है, बट आई विल टेक दिस आल्सो इन शॉर्ट. ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड जो स्टडीज होती है, देखो एग्जांपल लेकर आते हैं टॉय का. ठीक है, एक कंपनी है, फिशर कंपनी है, वो टॉय को बनाती है, खिलौने बनाती है. उसको ये देखना है कि एक बच्चा कितनी बार वो टॉय खरीदता है, अपनी सेल बढ़ाने के लिए वो ये देखता है. अब उसने मॉल में गया, बच्चा वो देख रहा है, बच्चे को केवल ऑब्जर्व कर रहा है और वो देख रहा है कि बच्चे ने कितनी बार उस टॉय को छुआ. स्ट्रक्चर्ड है, उसने पहले से ही सोच रखा था रिस्पोंडेंट ने कि मैं उतनी ही चीजें देखूंगा जो मुझे ऑब्जर्व करनी है. मींस स्ट्रक्चर्ड में पहले से ही डिसाइडेड होता है कि हाउ मच, हाउ मेनी थिंग्स आई हैव टू एलिमिनेट. कितनी चीजें मुझे मेजर करनी है, मैं उतना ही मेजर करूंगी, इससे ज्यादा मेजर नहीं करूंगा. ठीक है, तो टॉय उसने कितनी बार खाया, उसको टॉय को देख के कितनी हैप्पीनेस हुई, उसने वो लेवल रख रखा होगा हैप्पीनेस का, वो एनालिसिस का पार्ट चला गया. अब उस टॉय को उसने मतलब लाइक कितनी बार दोबारा वो ऑफिस आया उस मॉल के अंदर उस टॉय को लेने के लिए. ठीक है, टॉय को लेने का उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा, उसके माँ बाप से पूछा. ठीक है, आपको टॉय से क्या एक्सपेक्टेशन है. Under the controlled environment, under the controlled, कोई किस अगर आपने कोई enzyme
एंजाइम का वर्क क्या होता है? स्टिमुलेशन करना। तो स्टिमुलेटेड एंजाइम में डालोगे तो नहीं होगा, ओवर नहीं होगा। ये कहां करते हो? यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट्स इन लैब, दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड द स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट, दैट इज जनरली कंडक्टेड बाय द आर्म फोर्सेस। आज को मैं मैनेजमेंट में लेकर आ रही हूं। आर्म फोर्सेस क्या करते हैं? जो इनो के सोल्जर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, उनके स्ट्रेस को मेजर करने के लिए वो स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट या स्टिमुलेटेड ऑब्जर्वेशन टेक्निक अपनाते हैं। इंडक्टिव अप्रोच है ये, यू विल चेंज आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड।
ये रिसर्च कहां यूज होती है क्वालिटेटिव, जहां पर चेंजेस कांस्टेंट होते हैं, रुके हुए चेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती पुरानी हिस्ट्री, चेंजेस कांस्टेंट है और वेरिएबल्स जब मल्टीपल हो, बहुत सारे वेरिएबल्स हो, इनकम इनकम की बहुत सारी बैंड होती है कि 1000 से लेके 2000 तक, 3 लाख से 2 लाख वाले लोग, 2 लाख से 3 लाख वाले लोग, तो बैंड बहुत सारी है। इसके बाद इनकम के बाद आप उनका फैमिली साइज मेजर कर रहे हो, इसके बाद आप ये मेजर कर रहे हो कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या क्या है, वो किस तरीके से अपने परसेप्शन को मेजर कर रहे हो, तो सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको मेजर करना होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव, इट प्रेडिक्ट्स द अकरेंस ऑफ अ सर्टेन फिनोमेना, इट इज फॉर्मेटेड एंड स्ट्रक्चर्ड एंड यूजुअली कंक्लूसिव, डिजाइन इज स्ट्रक्चर्ड एंड हैज मेजर्ड अ सेट ऑफ वेरिएबल्स, लार्ज सैंपल्स आर हैंड। क्वांटिटेटिव रिसर्चेस जो होती हैं उनमें जो हमारा सैंपल होता है उसे मैनेज किया जा सकता है। सैंपल को मैनेज कैसे करेंगे, सारा डेटा क्वांटिटी में आ गया है, जैसे ही क्वांटिटी में आया सॉफ्टवेयर इस तरीके से है कि वो एनालाइज कर लेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर नहीं भी थे पहले तो भी हम मैनुअली हम चीजों को एनालाइज कर सकते थे या फिर एक्सेल में भी एनालाइज कर सकते थे, दैट इज द क्वांटिटेटिव रिसर्च। एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च हमेशा स्ट्रक्चर्ड होती है और कंक्लूसिव होती है, कंक्लूजन देती है, ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च कंक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड है हमारा प्राइमरी मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में इंटरव्यू मेथड, ठीक है, इंटरव्यू मेथड क्या है, इंटरव्यू मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन्वॉल्व प्रेजेंटेशन ऑफ ओरल वर्बल स्टिमुलाई एंड रिप्लाई इन टर्म्स ऑफ ओरल वर्बल रिस्पॉन्स। इंटरव्यू मेथड, आई एम जस्ट इंटरव्यूइंग यू, आई एम आस्किंग, लाइक वंस अपॉन अ टाइम लाइक व्हाट हैपेंड, माय सिस्टर वाज देयर, शी वाज कंडक्टिंग अ रिसर्च टू नो द प्लाइट ऑफ वुमेन प्रिजनर्स, जेल गए, ठीक है, जेल विजिट किया और वहां पर प्लाइट ऑफ वुमेन प्रिजनर्स मतलब क्या है कि वो कितनी ज्यादा दयनीय अवस्था में रहती है। तो हम लोग एक सेट ऑफ क्वेश्चंस खुद लखनऊ से डीआईजी ने 10 क्वेश्चंस का फॉर्मेट हम लोग को दे दिया था, उससे ज्यादा हम पूछ नहीं सकते, ठीक है, 10 क्वेश्चंस इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू, हम वहीं जाकर उनसे बात कर सकते हैं और 10 क्वेश्चंस पे स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू डायरेक्टली बात, ठीक है, तो मैं फेस टू फेस ओरल वर्बल कम्युनिकेशन कंडक्ट बिटवीन टू पीपल, लाइक वन इज द रिस्पोंडेंट एंड अदर इज द हु इंटरव्यूअर, है ना, तो अब क्या है कि जब ओरल वर्बल रिस्पॉन्सेज एक दूसरे से आ रहे हैं दैट कम्स अंडर द इंटरव्यू मेथड, दैट कैन बी डायरेक्ट, अब डायरेक्ट में कैसे होगा, डायरेक्ट में हम खुद जा रहे हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि लाइक टेलीफोन के थ्रू कर लिया, मेल्स के थ्रू कर लिया, ऑनलाइन कर लिया, ज्यादातर मैनेजमेंट में ये होता है ऑनलाइन करते हैं। तो इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चंस व्हिच आर एम टू गेट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर स्टडी टू रिस्पोंडेंट, ठीक है, वो पूछता जा रहा है आंसर, रिस्पोंडेंट आंसर देता जा रहा है। नाउ क्वेश्चनायर्स क्या होते हैं, व्हाट आर क्वेश्चनायर्स, क्वेश्चनायर्स क्या होते हैं, इट अ क्वेश्चनायर सेंड to the person concerned with a request to answer the question and return the questionnaire, ठीक है, उसको बोला जाता है, भेज दिया जाता है और फिर उसको वापस दे दिया जाता है, questionnaire is sent to the respondent और वो आंसर करके देता है। questionnaire consists of a number of questions printed in a definite order on a form, उन्होंने करना है कि लाइक questionnaire बनाओगे और उसको या तो भेजोगे या खुद जाओगे, खुद जाओगे तो क्या बोलेंगे, क्वेश्चन आया वर्सेस इंटरव्यू, अब यहां पर ये प्रोसेस समझना पड़ेगा क्या होता है, क्वेश्चन आया क्या है, क्वेश्चन आया जनरली सेंड टू मेल एंड नो फर्दर असिस्टेंस फ्रॉम सेंडर, बस मेल कर दिया जाता है, ठीक है, शेड्यूल इज जनरली फिल्ड बाय एन्यूमरेटर और रिसर्च वर्कर, सेंसस में ये ज्यादा करते हैं, एन्यूमरेटर्स जो होते हैं खुद जाते हैं, एन्यूमरेटर बोलते हैं, तो डायरेक्टली जाएंगे ऐसे रिसर्चर्स जैसे कि डॉक्टर्स, डॉक्टर्स खुद पूछेंगे ना कि किसी कंपाउंडर को भेज देंगे सारी जानकारी, मेजर जब जरूरी होगी, जब आप खुद जाओगे खुद पूछोगे तो वो क्या है, स्केड्यूल, ठीक है, और क्वेश्चनायर क्या है, जब आप भेजते हो और फिर आंसर्स आते हैं मेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, जैसे जो भी तरीका, क्वेश्चनायर चीपर मेथड, इट इज क्वाइट कॉस्टली, ऑब्वियस सी बात है, स्केड्यूल थोड़ा कॉस्टली होता है, न
दही से वैलिडेशन स्टार्ट होगा. क्वेश्चन आए नहीं वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की कॉलम्स आ गए. नॉन रिस्पांस है, रिस्पांस कभी कभी हो सकता है नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ज्यादा हायर रहेगा. यहाँ लो है कि क्वेश्चन आया आइडेंटिटी ऑफ रिस्पॉन्डेंट इज अननोन. हियर द शेड्यूल आइडेंटिटी ऑफ पर्सन इज नोन. हम लोगों ने एक पहले भी एक आपको एग्जांपल बताया वो शेड्यूल वो क्वेश्चन आया नहीं. Very slow method, information selected well in time. अब इसमें आप कुछ जा रहे हो तो जल्दी अभी करके आओगे. No personal contact, direct personal contact. Now come to survey method. Survey method could be through questionnaire or schedule. Survey होता क्या है? जब हम एक large population से हमें कुछ questions read करने हैं, that comes under survey. Survey में बहुत सारे questions पूछे जाते हैं. Survey could be can be in any form, direct survey. मैं directly answer दी. Pooling, pool होता है pool. कितने लोग स्ट्राइक से खुश हैं? यूनिस टू स्ट्राइक से पूल आया यस 100% सॉरी 90% 10% नो पूलिंग है ना. पब्लिक पोल्स होते हैं जो वो ये सर्वे है नो नो सेंसस सर्वे. सेंसस सर्वे इज अगेन एग्जांपल ऑफ सर्वे. कंटीन्यूअस सर्वे आपका सेंसस सर्वे में क्या होता है ये रेगुलरली इंटरवल पे होता है हर 10 साल में ठीक है. सेंसस कंटीन्यूअस सर्वे रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं. आई डी ad hoc survey kya hota hai conducted at specific time for specific need UGC ek sab karate theek hai as and when required jab zarurat hoti hai net ki net ki visit hoti hai universities mein that comes under ad hoc survey for detailed study of geographical area together data attitude impression opinion satisfaction level by polling a section of the population is called as survey. Case study again is a primary data collection. Case study mein directly आप
हाँ नाउ प्राइमरी डेटा के कुछ मैरिट्स, हर चीज के मैरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, प्राइमरी डेटा के भी हैं। मैरिट्स क्या है? टारगेटेड इशू और एड्रेस मैरिट्स है, केवल वही बात पूछेंगे जो हमें चाहिए, ओरिजिनल डेटा है और वही बात पूछनी है जो हमें चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। इससे ज्यादा मान लो अगर बन भी गए क्वेश्चन तो हम वैलिडेशन के वैलिडिटी के थ्रू और रिलायबिलिटी के थ्रू कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम पे चलता, ठीक है। इसके बाद क्रिस्टल वॉलेस टेस्ट और आपका ये बाटले टेस्ट, इन टेस्ट के माध्यम से हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहे हैं उन्हें हटा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग द क्वेश्चन आयर, ठीक है, वो हम ठीक कर सकते हैं। बट फिर भी टारगेटेड इश्यूज आर फेवरेट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन इज बेटर, हायर एक्यूरेसी ऑफ डेटा, ग्रेटर कंट्रोल, एड्रेस एंड स्पेसिफिक रिसर्च इश्यूज, वही बात करेंगे जो कि हमें करनी है, इसके अलावा हम बाकी बातें नहीं करते, नई बातें नहीं करते। Evaluated cost, ठीक है, time consuming, बहुत ज़्यादा cost लगती है इसमें, आसान नहीं है, करे करे जाना, अभी तक decide करोगे ना कौन से districts लेने हैं, उत्तर प्रदेश में 75 districts हैं, 75 districts, अगर झांसी अकेला ले रहे हो तो 8 block हैं, फिर उसको sample design करना है, तो sample decide करना है, कौन सा तरीका होता है, sample size पता करने का, test होते हैं, sample size decide करोगे, बड़ी मेहनत है, आसानी से नहीं होगा, ठीक है। तो सैंपल को डिसाइड करना कि पहली बात तो सैंपल कौन सा होगा ये भी डिसाइड करने में 2-3 महीने लग जाते हैं। चलो टाइम कंज्यूमिंग, मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, अभी इस पर बात हम करेंगे, हम सेकेंडरी में आएंगे ना, प्राइमरी को भी कलेक्ट करने के लिए सेकेंडरी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड इन टाइम कंज्यूमिंग, इनएक्यूरेट फीडबैक भी आ सकता है, कुछ कुछ आ रहा है जवाब उठा रहा है, ये सब गाँव वालों से ज्यादातर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रिमूव जिसकी अवेयरनेस भी नहीं हो सकता है, लिटरेट हो पढ़े लिखे हो बट अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस की कमी के कारण भी, जैसे कि अभी हम लिटरेट हो बट आई एम नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, आई एम नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री टेक्निक्स, आई डोंट नो अंटिल दिस आई डू स्टडी ऑफ इट, आई एम अवेयर ऑफ इट, कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, कोई सेल्स की कंपनी है, कॉमर्स की है, तो सेल्स ऑफिसर्स से चीजें
फाइनेंशियल मैनेजर है उससे पूछ रहे हैं, इसके बाद हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, तो सारा डाटा वहां से रिवील आउट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट स्पेसिफिक। ये मिनी लेवल पर डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्क्रीन में डेटा कलेक्ट करते हैं, कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज का नाम क्या है, एम्प्लॉइज कहाँ रहते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, इंटरनल सारा डेटा वहीं से कलेक्ट करते हैं इंडस्ट्री लेवल। तो
अदर नेटवर्क अदर नेटवर्क के माध्यम से कस्टमाइज डेटाबेस की इंफॉर्मेशन रिलीव कर सकते हैं. रिसर्च एप्लीकेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा एट मल्टीपल स्टेजेस. सेकेंडरी डेटा एसडीबी बनाए हर स्टेज पर. यूजर डिजाइन पढ़ी थी आपने, हर स्टेज पर सेकेंडरी डेटा होना है ये हर कोई भूल जाता है. राइट, डूइंग द रिसर्चेस ये बड़े से बड़े मुलंदर इस बात को भूल जाते हैं. वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर को ही केवल क्या मानते हैं, पूरा कोर रिसर्च एरिया मानते हैं. नहीं, इवन जो आइडिया तुम्हारे माइंड में आया है न्यू इनोवेटिव आइडिया, वो भी कहीं ना कहीं किसी सेकेंडरी सोर्स से आया है, तुम्हारा प्राइमरी नहीं था. तो प्राइमरी सोर्स इज इन इटसेल्फ कैन बी द रिजल्ट ऑफ द सेकेंडरी सोर्स. हर चीज हम दिया, तो वो सही व्यक्ति ने दिया था, पब्लिश डेटा से था कि नहीं था, ये सब भी पता लगाना बहुत जरूरी है.
ऐसे ही काफी क्वेश्चंस से क्लियर कर लेना है, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, वो सारी बातें बताना मुझे, तभी एक्यूरेसी ठीक आएगी, वरना पूरा एक्यूरेसी मिलेगा नॉट अप टू डेट। अब नॉट अप टू डेट की जहां बात आती है वहां पर हम मल्टीपल क्वालिफाइंग वेरिएबल्स की बात करेंगे। मल्टीपल क्वालिफाइंग वेरिएबल्स का मतलब क्या है, वेरिएबल्स मॉडिफाई होते रहते हैं टाइम में, जैसे कि हम जो सेकेंडरी डेटा निकाला और डेटा जो था वो पुराना था, हिस्टोरिकल था, उस जमाने में एक जमाना होता है ना कि उस जमाने में लोग वो चीज नहीं करते, कोई भी आप उसी भी चीज पर आप काम कर रहे हो और उनका टेस्ट हैबिट्स होने से कैसे कह सकते हैं कि उनकी ऑनलाइन स्टडीज नहीं चलती थी उस जमाने में, तो और आप ऑनलाइन स्टडीज का जो रेट देख रहे हो पुराने जमाने का सेकेंडरी डेटा उठा रहे हो, इतने लोग यूज करते थे, ठीक है, वो ठीक नहीं रहेगा। पुरानी स्टडीज आपकी जो होती है वो आप मॉडिफाई होते रहते, पुराने वेरिएबल्स मॉडिफाई होते रहते, उसी प्रकार से इनकम पे आ जाओ, जब जीएनपी या जीडीपी पे आ जाओ तो पुरानी इनकम से एडजस्टमेंट्स भी करते हैं हम लोग, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक वाले सेक्टर जो पढ़ते हैं एडजस्टमेंट किए जाते हैं इनकम या फिर जीडीपी जीएनपी एक जमाने में कुछ और थी उस दौरान का इन्फ्लेशन निकालते हैं और इस समय कुछ और, ठीक है, तो डेटा को मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है एज पर सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक इफेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स के भी चेंज होने से पूरे फाइंडिंग्स का डायरेक्शन स्क्यू हो जाता है, इसीलिए लेटेस्ट डेटा चाहिए, नॉट अप टू डेट होता है, ठीक है, इसलिए इसको बात कर रही हूं। पुअर एक्सेसिबिलिटी इन सम केसेस, कभी कभी मिलता ही नहीं, बड़े महंगे होते हैं डेटा, खरीदना पड़ता है। और बेनिफिट्स क्या है, रिसोर्स एडवांटेज है, रिसोर्स एडवांटेज में कॉस्ट एंड टाइम, एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा बिल भी जाता है, एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ डेटा, एक्यूरेसी की होती है अगर आपने किसी अच्छे सोर्स से आपने इसको खाया है, हो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं,
प्राइमा फेसी आंसर नहीं देगा, प्राइमा फेसी फर्स्ट टाइम जो देखा उसी से हां बोल दिया, नहीं पहले एनालाइज करो कंप्लीटली, वो पूरी सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट बहुत ध्यान रखती है, ठीक है। नाउ एक्यूरेसी चेक क्या है, एक्यूरेसी चेक का गोल्डन रूल बताती है, पहले सिलेक्ट रेप्यूटेड सोर्स, मल्टीपल सोर्सेज यूज करो, कोलेट द फाइंडिंग, फाइंडिंग को कोलेट भी करो, एक बार देख लो फाइंडिंग्स को, पायलट स्टडी करो, क्रॉस चेक वेरिफिकेशन करो, ठीक है। अगर ये सब करते हो और बड़ा काम ही करने के लिए, ठीक है, डेटा कलेक्शन इज द पार्ट ऑफ द रिसर्च, फर्स्ट स्लाइड में बताया था, तो सिलेक्ट रेप्यूटेड सोर्स, मल्टीपल सोर्सेज, कोलेट द फाइंडिंग्स, पायलट स्टडी एंड क्रॉस चेक वेरिफिकेशन, तब जाके एक्यूरेसी चेक, ठीक है। एक्यूरेसी क्या है, करेक्टनेस ऑफ द डेटा। आगे देखो एक एग्जांपल लिया है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का, इसमें क्या है कि भाग्यश्री फाइनेंशियल चेकिंग, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी बहुत
को कहते हैं कि पूरे डेटा को जो भी डेटा टाइप किया है उसको करेक्ट करना, मॉडिफाई करना और टेम्पलेट करना, उसकी कोडिंग करना, तो ये कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करना है डेटा एडिटिंग। डेटा एडिटिंग क्या करता है, कंप्लीटनेस और डेटा में पूरे डेटा को प्रॉपर तरीके से एक्यूरेसी देता है, उसको यूनिफॉर्म बनाता है। नाउ एडिटिंग, एडिट डेटा फॉर स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग हम कैसे कर सकते हैं, प्रोसेसिंग क्या है, एट टू लेवल्स टू एडिट डेटा फॉर स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग। सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा एडिटिंग करी, फिर डेटा कोडिंग करते हैं, फिर डेटा क्लासिफिकेशन करते हैं, डेटा टेबुलेशन करते हैं, फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा y la
कोई भी रेंज डालो, कोई भी रेंज प्लग प्लग करो, आंसर आना चाहिए, वरना वो डेटा वो स्पीकर में डाल दो आंसर नहीं मिलेगा। ऐसे तीन चार चीजों में कर, तीन चार रिस्पॉन्सेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं पूरे रिस्पॉन्स में प्लग। नेक्स्ट है आउटलायर्स, बड़ा अच्छा टर्म है आउटलायर्स, पता है किसको आउटलायर्स क्या होते हैं? टेक्निक्स एंड डेटा एडिटिंग करने की आपको टाइप्स
बायस चेक करने की टेक्निक होती है और लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी से अपने चेक करती है। सबसे पहले वैलिडिटी की इनकम्प्लीटनेस होती है। अगर आप सबसे आर एग्जांपल पे आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एक जैसे कि इसमें कितने रखा है 26 आप कॉलम देख रहे हो 26 22 पे नेक्स्ट में ग्रीन 87 84 60 और इसमें देखो ये वाला जो कॉलम है वो टू का कॉलम नंबर ही ग्रीन आ रहा है। ये कुछ वैलिडिटी कंप्लीटनेस की दिखा रहे हैं वैलिडिटी वैलिड कर रहा है इतना स्क्रीन पे। नेक्स्ट यहां पर कॉलम बी में देखो रो 3 में ही खाली कितना है मिसिंग डेटा आंसर इज इनकंप्लीट एंड मिसिंग डेटा है और अल्फा न्यूमेरिक कंडीशन आ गई है अल्फा न्यूमेरिक ठीक है क्लियर। 50 के डेटा है 50 के डेटा में क्या है ये रिकॉर्ड है यहां पर देखिए 26 टीचर्स स्कूल 1 में 26 पर 720 नंबर चेक करते हैं।
how to engage. Basic code techniques are team review, simulation, direct application and testing. Team review, पूरी टीम चेक करेगी. Simulation क्या होता है? What is simulation? Any one of you, please tell me what is simulation. हर जगह यूज होता है simulation. अच्छा आपने वॉर गेम सुने? What is war? What are war games? चलिए कोई बात नहीं. आप लोगों ने कभी ये देखा है पायलट स्टडीज सुनी है? पायलट स्टडीज क्या होती है? कि जब हम कोई बड़ी स्टडी करने जा रहे हैं उससे पहले हम एक छोटी स्टडी करके उसको देखेंगे वो आगे चलके इफेक्टिव इफेक्टिव होगी कि नहीं. पहले मेडिकल में क्या करा जाता है? मेडिकल ट्रीटमेंट्स में जब सर्जरी सीखता है तो छोटे पे किया जाता है, डायरेक्टली इंसान को नहीं काटते हैं, जब बॉडीज पे किया जाता है कि सिमुलेशन क्या है. सिमुलेशन इज अ टेक्निक इट इज यूज्ड एवरीवेयर. स्मॉल मॉडल इज ट्रेन फर्स्ट. फिर रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट स्मॉल मॉडल पे किया. वो स्मॉल मॉडल जब वो सक्सेसफुल हो जाता है उसको वैलिडेट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, फिर उसको सक्सेसफुली उसको लॉन्च किया जाता है बड़े रूप में. उसकी भी पायलट स्टडी होती है, फिर उसको लॉन्च करते हैं. इट टेक्स मल्टीपल स्टेजेस. सिमुलेशन वॉर गेम में जैसे कि आर्मी वॉर गेम्स का किया जाता है. आज तक मैं आपसे बताया आर्मी वॉर गेम्स का, ठीक है? और क्लियर ऑल ये चाइना वाले सब यूज करते हैं. Direct application. Basic four techniques are how to validate direct application review or testing review. A validator. Now, team review validation. Team review validation समझते हैं. एक तो होता है localized review. Localized review क्या होता है कि आप distribute कर देते हो, ठीक है? लोगों के बीच में localized problem and fix and debate sessions. आप क्या करते हो? Particular validity को check करने के लिए डिस्कस करते हो, फिक्स करते हो और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो डिफरेंट लोगों के. ये लोकलाइज्ड लेवल पे हो सकता है. लोकलाइज्ड मींस जिस एरिया में आप